हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल से आप सभी का माय लिटिल टेरिस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी शाम हो रही है तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितने सारे पक्षी बैठे हुए हैं खेत में, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और आंखों को सुकून भी देते हैं। ये खेत है, गेहूं लगे हुए खेत में, वहाँ पे कितने सारे पंछी बैठे हैं और शाम का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आज हम आप सबसे फ्रेंड्स वेजिटेबल गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू शेयर कर रहे हैं, जो कि हमारे रूफटॉप गार्डन में है। और जितने भी प्लांटर्स हैं सभी बिल्कुल सस्ते वाले प्लांटर है, मतलब कह सकते हैं फ्री के प्लांटर है। ये पेंट के डब्बे हो, चाहे ये बैग्स हो, जो कि दाल चावल के बोरे आते हैं, बैग्स आते हैं उनमें लगाए हमने कुछ प्लांट्स, कुछ थर्मोकॉल के डब्बे में लगाए हैं और बखूबी कितने अच्छे से चल रहे हैं सारे प्लांट्स। और इनमें तो देखिए जितने भी प्लांटर है जिनमें ये सब्जियां लगी है तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, पेस्ट फ्री है और आंखों को बहुत सुकून भी देते हैं। इस तरह से सब्जियां लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए चावल के कुछ बैग से, कुछ गेहूं के हैं, कुछ पेंट के डब्बे, इन सब में ही हमने लगाए हैं। तो सबसे पहले इन सभी प्लांटर में जितने भी लगाए हैं सभी में नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाल के पूरा किचन वेस्ट डाला हुआ है, फिर ऊपर मिट्टी डाल के इस तरह से हमने प्लांट्स लगाए हैं। तो बिल्कुल इजी वाले काम हैं, मतलब इनमें तो कुछ बाहर से खरीद के खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरा किचन वेस्ट खाद में ही ये प्लांट्स लगे हैं। और कितनी अच्छी देखिए इनमें फ्रूटिंग चल रही है। ये मिर्ची का प्लांट देखिए, लाल मिर्ची लगी है, ग्रीन मिर्ची लगी है और ऊपर फिर से फूल आए हुए हैं। तो ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं, अभी तक हमने खाद ही नहीं दिया है, बस इस तरह से हमने सारे प्लांट्स को लगाए हैं किचन वेस्ट के ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल के। तो 1 से 2 महीने में आराम से डिकम्पोज होकर खाद बन जाते हैं, तब तक प्लांट्स भी बड़े होते जाते हैं। तो 1 से 2 काम बन जाता है, किचन वेस्ट का भी अच्छा खासा यूज़ हो जाता है और बाहर से खाद ना लेके इस तरह से खाद भी बन जाती है और बिल्कुल इजी है इस तरह से खाद बनाना। और फिर बाद में थोड़ा सा ऊपर से चाहे तो सरसों की खली का लिक्विड दे सकते हैं, तो हम कुछ दिनों में सरसों की खली का लिक्विड भी देंगे सब प्लांट्स में। ये देखिए तुलसी जी बहुत हरी भरी है, अभी तो कितनी सर्दी चल रही है फिर भी बहुत अच्छे से चल रही है। और ये कॉक्सकॉम का प्लांट देखिए, इसमें फ्लावर कितना ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत है और जितना टाइम लेता है उतना बड़ा ये फूल बनता जाता है जितने दिन बीतते जाते। देखिए एक ही प्लांट है और इसका फूल देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इसके साथ साथ ये मलाबार स्पिनिच के जो बीज है, छोटे छोटे बेरी जैसे नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो एक ही प्लांट है और कितना हेल्दी है और इसमें ढेर सारे बीज बने इस तरह से। तो इन बीजों से हम फेब्रवरी में इन बीजों को लगाएंगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा और तब उनमें अच्छी खासी जर्मिनेशन हो जाती है बीजों से, तो एक नया प्लांट बन जाएगा। और साथ में देखिए गोभी लगी है, पत्ता गोभी। तो इस तरह से बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारा किचन वेस्ट और वेस्ट मटेरियल से बना हमारा किचन गार्डन है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, आप हमारे नए फ्रेंड हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।